ओम नमः शिवाय। शिवतंत्र ज्योतिष में आपका स्वागत है। ज्योतिष एवं वैद्य सम्राट स्वर्गीय दरबारी लाल शर्मा जी के पांचवी पीढ़ी के तंत्राचार शास्त्री लोग के स्वागत। जी हाँ, आप लोगों की सेवा में हाजिर था, हाजिर हूँ और हाजिर रहूँगा। आपको बहुत ही विलक्षण प्रयोग लेकर के आता हूँ जो शायद ही आपको कहीं मिल पा रहे होंगे, और मिले भी होंगे तो अधूरे, लेकिन आपको पूर्ण जानकारी मिलेगी। शिवतंत्र ज्योतिष फाउंडेशन रजिस्टर्ड भारत सरकार आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहेगा, रहे और था भी और है भी। और दोस्तों, हमारे साथ भागवत में आनंद लीजिएगा और ये भी बताएंगे कि हम अब किस डेट को कहाँ अवेलेबल रहेंगे। बहुत जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगा, आज या कल में ही। दोस्तों, वही हमारा पर्सनल कंसल्ट करने का चार्ज 501 है, यानी 500 रुपये देने के बाद आप हमसे अपनी प्रॉब्लम को स्कैन करा करके सॉल्यूशन ले सकते हैं। और अभी ये चार्ज आपका लाइफ टाइम के लिए काम कर रहा है, हो सकता आगे कुछ इसका टाइम बाउंडेशन भी हो जाए। दूसरा, मैं किसी से कुछ भी कहता हूँ तो आप गुस्सा ना होइए, क्योंकि मेरा नाम लोकेश पागल है। तो यथा नाम तथा गुण, जिसका जैसा नाम होता है वैसे ही गुण आ जाते हैं। पागल है तो थोड़ा पागलपन तो है ही, और वैसे ही हम लोग तंत्र लाइन के आधे ही क्रैक होते हैं। तो आप अपने काम से काम रखिए, हमारी बातों को दिल पर न लीजिए, कुछ भी बक सकते हैं हम, माइंड न करिए। आप मेरे हैं, मैं आपका, समझ गए। चलिए, 7 दिन का एक ऐसा तंत्र बता रहा हूँ, क्या ऐसा करें जिससे हर कार्य पॉजिटिव हो और हमारा हर काम बने। सकुन विचार जैसे बोलते हैं, जो संस्कृत में एक श्लोक है और वो ज्योतिष में लिखा हुआ है, यानी एक हिंदी दोहा भी है इसका। वो है, रब को पान सोम को दर्पण, मंगल को गुड़ करिए अर्पण, बुधे धनिया बीफे जीर, शुक्र कहे मोर दही की पीर, शनिश्चर को अदरक खाओ, निश्चय ही सुख संपत्ति घर लाओ। यानी आपको करना क्या है कि आप रविवार को जब घर से निकले यानी संडे को, तो रवि को पान खा के आपका कार्य पॉजिटिव होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको रिजल्ट न मिले। सोम को दर्पण, यानी सोमवार को दर्पण, चलते समय शीशा में मुख देख के, शीशा देख के। मंगल को गुड़ करिए अर्पण, मंगलवार को थोड़ा सा गुड़ खा के और थोड़ा सा गुड़ कहीं रास्ते में पेड़ की जड़ में छोड़ के जाइए। बुधे धनिया, बुधवार को धनिया खा के। अब लोग क्वेश्चन करते हैं, धनिया हरा या सूखा? कैसा भी हो यार, इसको मैं नहीं बोल रहा कि हरा खाना या सूखा। धनिया हो कैसा भी, हरा हो तो हरा धनिया खा के, सूखा है साबुत तो सूखा खा के, पिसा हुआ है तो पिसा खा के घर से निकले। बीफ ए जीर, यानी बृहस्पतिवार को जीरा खा के। शुक्र कहे मुझे दही की पीर, शुक्रवार को दही खा के। कुछ लोग कहते हैं, लाला काम से जहर हो रहे, थोड़ा सा दही खा ली हो तेरा काम है जाएगा। ये बिल्कुल गलत, हर दिन दही पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता। दही शुक्र कारक है, शुक्र ग्रह बहुत एक सुख साधन बढ़ाता है, आपको ग्लैमर इंडस्ट्रीज चकाचौंध कर देने वाली लाइफ, स्मार्ट और डिजिटल बना देता है। स्पेशलिटी है कि दही कस्टर्ड यानी फ्राइडे, सॉरी हिंदी, यानी दही को शुक्रवार को खा के जाए। ऐसा ना कि लाला रोज जा रहा तो रोज ही दही खाए रहो, ऐसे ना होए करे। दूसरा, शनिश्चर को अदरक खावो, निश्चय ही सुख संपत्त घर लावो। यानी शनिवार को अदरक खा करके जाएंगे तो 100% निश्चित सुख संपत्त आपके घर में आएगी, आपका कार्य पॉजिटिव होगा। ये 7 दिन का तंत्र करके आप सकुन विचार करके चलेंगे तो आपको 7 दिन में सारे कार्य पॉजिटिव होंगे, कोई भी नेगेटिव नहीं होगा। करिए इसको, हमसे जुड़िए। जो लोग हमसे जुड़ चुके हैं बहुत कुछ ले चुके हैं, और जो नहीं जुड़े वो बहुत कुछ खो चुके हैं, उनसे रह गया है, तो फिर देख क्यों। करो ना, हमारा नंबर लगाओ, हमसे बात करो और हमारे द्वारा भगवान कन्हैया की कथा को सुनो, भागवत कथा कराओ, ब्रज की भाषा को आनंद लो। लेकिन पतो ना आप कौन सी दुनिया में खोए रहे हो, ये किसी के साथ में नहीं जाते। धन दौलत माया ये सब रिलेशन व्यर्थ है। आपको अच्छा आनंद लेना है तो भगवान के चरणन में अपनो ध्यान, अपने आप को समर्पण कर देना है। और हम पागल हैं, हमारी
गुस्से पे आप गौर ना करिए। हम आपके हैं, आप हमारे हैं, हम आपके बच्चा हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, कुछ तो हैं, फिर टेंशन क्यों। और घुमाइए हमारा नंबर, करिए हमसे वो बात जिसका आपको इंतज़ार है। समझता हूँ आपके पास समय नहीं है, तो यहीं स्टॉप करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी बहुत ही एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल करने के बाद मुझे संतुष्टि मिलेगी कि आप मुझे बताएं। कमेंट करिए इसे, इस पर एक्सपीरियंस करिए, एक्सपेरिमेंट करिए इस पर। ओम नमः शिवाय।